भाई बहन के पावन पवित्र रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन। जहां एक और पूरा देश इस त्यौहार को मनाने में लगा है, वहीं भारत पाक की सीमा पर तैनात जवान इस त्यौहार को यहां मना रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अंजू सैनी जी, कि वो यहां पहुंचे हैं और भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है। जी मैम, जवान जो देश की रक्षा कर रहे हैं, आज घर भी नहीं है और जो हमारे देश की रक्षा में तैनात हैं, आज आप यहाँ राखी बांधने, कैसा लग रहा है? कि सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और मुझे गर्व है कि मैं आज अपने इन भाइयों के पास कम से कम 10 सालों से आ रही हूं कंटिन्यू, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे गर्व, मैं बोल नहीं पा रही हूं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और जो हमारे देश के ये रक्षक है, जिनकी वजह से हम दिन रात, हमारा देश, हमारी बहन बेटियाँ, जो भी हमारा जो कुछ भी है, वो सब आराम से सोते हैं, आराम से रहते हैं, इन्हीं की वजह से हैं। और हम इनके जितना आभार प्रकट कर सकते हैं उतना कम है। आज भाइयों के हाथ में जो मैंने कलाई पे जो मैंने ये रक्षा सूत्र बांधा है, उससे मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। और इनको देख के मुझे और भी ज़्यादा ऐसा होता है कि मैं क्यों नहीं इसमें हुई, मुझे भी इसमें होना चाहिए था कि भी अपने देश की रक्षा कर सकती थी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की श्रीगंगानगर से बीजेपी की जिला मंत्री हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला सह संयोजक भी हूँ। तो मैं कहीं से कैसे भी अपने देश के लिए कुछ कर रही हूँ, ये सोच के भी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज भाई लोग हैं जो आज रक्षाबंधन के दिन पर ये लोग नहीं जा पाते अपने घर पे, तो हमें भी महसूस होता है कि भाइयों के, इन्हीं भाइयों के साथ हमें जाके ये त्यौहार मनाना चाहिए, ताकि इनको भी कमी नहीं महसूस हो। इनको भी ये लगना चाहिए कि हम लोग हर परिस्थिति में इनके साथ में, जब कहीं पर भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, बहनें और भाई जो भी लोग हैं, बच्चे तक, इनके साथ कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधे मिला के हम इनके साथ में खड़े रहेंगे। दिन रात इन्होंने एक किया हमारे लिए, तो हमारे भी जज्बे कम नहीं हैं, हम भी इनके साथ दिन रात डटे रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा कि बहुत से त्योहारों के अंदर ये घर नहीं जा पाते हैं, बॉर्डर पे। जी सर, रक्षाबंधन के त्यौहार पर सीमा पर डटे जवान आज रक्षाबंधन के पर त्यौहार मना रहे हैं और बहनें भी यहाँ पहुँची हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं देश के लिए इस जवान, क्या संदेश देंगे? बस मेरा यही कहना चाहूँगा कि ये भाई बहन का जो त्यौहार है, देश की रक्षा में छोटी मोटी कुर्बानियाँ को वो देना ही करना, चुकता करना पड़ता है, उसे हमें घबराना नहीं है। पहले देश की रक्षा, भाई बहन का त्यौहार तो है ही। थैंक यू।